दिवाली हिंदुओं का एक पाकीज़ा त्यौहार है। ये अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में मनाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 बरस का वनवास बिताने और लंका को फतह करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। वहाँ के लोगों ने उनकी वापसी की खुशी में घर घर घी के चिराग जलाए थे। दिवाली से कई दिन पहले ही बाजार सजने शुरू हो जाते हैं। इस मौके पर हिंदू अपने घरों और दुकानों की सफाई करते हैं। ताजी लोग इस दिन से अपने खाते शुरू करते हैं। शाम होते ही लोग अपने घरों और दुकानों में मोमबत्तियां और दूसरी चीज़ों से रोशनी करते हैं। बच्चे और बड़े मिलकर रात में बम पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाते हैं। इस शाम में हर आदमी खुश होता है। इस रात में नए बर्तन खरीदे जाते हैं। इस रात में लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से गले मिलते हैं। मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। हकीकत में ये त्यौहार फ़तेह पाने का है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का डट कर मुकाबला करें और हिम्मत नीज हौसले से काम लें, ना उम्मीदी पर लानत भेजें। दिवाली की रात में लक्ष्मी पूजा को ख़ास अहमियत दी जाती है। लोग अपने घर के जेवरात को ख़ास अहमियत दिवाली की रात में लक्ष्मी पूजा को ख़ास अहमियत दी जाती है। लोग अपने घर के जेवरात और कीमती चीज़ें लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति के सामने रखते हैं और पूजा करते हैं। कुछ लोग लक्ष्मी पूजा के नाम पर उस रात में जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं। ऐसे लोग अपने लिए और समाज के लिए बुराई का ज़रिया बनते हैं।